साथियों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSS एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय जिनसे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पड़ता है। तो चलो दोस्तों बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है श्री कृष्ण संग्रहालय। कौन सा आता है साथियों? सबसे पहले रहेगा हमारा श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। श्री कृष्ण संग्रहालय ये रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय ये इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कब की गई थी? 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा अगला आता है साथियों हमारा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय यह भी कहाँ पे रहेगा साथियों? यह भी रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने कार्यवाह 1964 और 1966 में दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भी अपना कार्यवाह संभाल चुके हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा गुलजारी लाल नंदा के बाद अगला है हमारा गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय। गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा यमुनानगर जिले में। गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय ये रहेगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में। इस संग्रहालय के खास बात साथियों यहाँ पर सबसे पुराने हथियार रखे जाते हैं। पुराने हथियार किस संग्रहालय में रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं हमारे गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय। इसके बाद अगला आता है हमारा वार ईरोज मेमोरियल संग्रहालय। वार ईरोज मेमोरियल संग्रहालय ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा पानीपत में। कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा पानीपत। पानीपत के तीनों युद्धों के अवशेष रखे गए हैं। इसके अंदर पानीपत के तीनों युद्धों के अवशेष रखे गए हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा लीलाधर दुखी स्मारक ये रहेगा साथियों हमारा सिरसा जिले में। कहाँ पे रहेगा? सिरसा। इसका प्राचीन नाम सरिस्कम था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001। इसके बाद अगला आता है साथियों हमारा लीलाधर दुखी स्मारक के बाद अगला रहेगा हमारा ताऊ संग्रहालय। कौन सा रहेगा? ताऊ संग्रहालय कहाँ पे रहेगा हमारा? ताऊ संग्रहालय रहेगा हमारा सिरसा जिले में। कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा सिरसा जिले में। ताऊ देवीलाल का संबंध सिरसा जिले के चौटाला गांव से रहा है। ताऊ संग्रहालय के बाद अगला आता है हमारा रेजमला संग्रहालय। कौन सा रहेगा? रेजमला संग्रहालय रहेगा हमारा रेवाड़ी जिले में। ये हरियाणा का एकमात्र युद्ध संग्रहालय है। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, ग्रैंड का क्वेश्चन बनेगा MiG-21 विमान हरियाणा के किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये रखा गया है रेजमला संग्रहालय में। MiG-21 विमान रेजमला संग्रहालय में रखा गया है। उसके बाद आगे आता है हमारा रेल संग्रहालय। कौन सा आता है साथियों? रेल संग्रहालय ये भी कहाँ पे रहेगा साथियों? ये भी रहेगा रेवाड़ी जिले में। रेजमला संग्रहालय रहेगा रेवाड़ी जिले में। यहाँ पर सबसे जो प्राचीन रेलवे का इंजन था वो इस
रेल संग्रहालय के अंदर हरियाणा सबसे प्राचीन रेलवे रेल इंजन इस संग्रहालय में रखा गया है। पुंछ संग्रहालय में रेल संग्रहालय रेवाड़ी में। रेल संग्रहालय के बाद अगला आता है हमारा फाकलोर सरस्वती संग्रहालय। फाकलोर सरस्वती संग्रहालय, फाकलोर सरस्वती संग्रहालय, फाकलोर, फाकलोर सरस्वती संग्रहालय, फाकलोर सरस्वती संग्रहालय, ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा गुरुग्राम जिले में। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम जिले में। इसकी खास बात क्या रहेगी? यहाँ पर प्राचीन लोक कथाएं प्रचलित, यहाँ प्राचीन लोक कथाएं जो हमारी होती थी उनके अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। प्राचीन लोक कथाएं यहाँ पर रखी जाती हैं। प्राचीन लोक कथाएं, प्राचीन लोक कथाएं यहाँ पर रखी जाती हैं। उसके बाद आगे आता फाकलोर संग्रहालय के बाद आगे आता है हमारा फाकलोर से अगला रहेगा हमारा दीन बंधु छोटू राम संग्रहालय। दीन बंधु छोटू राम संग्रहालय, ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा रोहतक में। कहाँ पे रहेगा? दीन बंधु, दीन बंधु छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम संग्रहालय कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हमारा रोहतक जिले में, रोहतक जिले में। एक बार ये पूछा जाता था जो इनका निवास स्थान था उसे क्या कहा जाता था? दीन बंधु छोटू राम का जो निवास स्थान था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था साथियों प्रेम निवास। इसका जो निवास स्थान था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था प्रेम निवास। एक बार ये प्रश्न जरूर पूछा जाता था कि पंडित छोटू राम को सर की अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि से कब नवाजा गया था? ये नवाजा गया था 1937 में। इन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा 1937 में दी गई थी और इन्होंने जाटगंज नामक समाचार पत्र 1916 में रोहतक से प्रकाशित किया था। इनका समय रोहतक जिले गढ़ी छापड़ा गांव से रहा था। तो दोस्तों चौधरी छोटू राम से प्रत्येक परीक्षा में एक से दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे चौधरी छोटू राम के ऊपर। आगे आता है साथियों हमारा, आगे रहेगा हमारा चौधरी छोटू राम के बाद रहे। उसके बाद आगे आता था जो हरियाणा का, हरियाणा का पहला कृषि संग्रहालय कौन सा रहेगा? पहला कृषि संग्रहालय, पहला कृषि संग्रहालय, पहला कृषि संग्रहालय ये रहेगा हरियाणा की स्टील सिटी हिसार में। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। ओमकार का जिंदल का शहर कहा जाता है हिसार को, स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे रहेगा हमारा स्वामी ओमानंद संग्रहालय, कौन सा रहेगा? स्वामी ओमानंद संग्रहालय, स्वामी ओमानंद, ओमानंद संग्रहालय, ये कहाँ पे रहेगा साथियों? स्वामी ओमानंद संग्रहालय रहेगा हमारा हरियाणा के झज्जर जिले में। झज्जर जिले को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर जिले की पहली तहसील को धनाढ्य लोगों का शहर भी कहा जाता है, स्वामी ओमानंद संग्रहालय। इसके बाद आगे आता है साथियों हमारा जयंती देवी संग्रहालय, कौन सा रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय, जयंती देवी संग्रहालय, जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा साथियों हमारा जींद में। कहाँ पे रहेगा? जींद, जींद की स्थापना भी 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी और जयंती देवी संग्रहालय की स्थापना की गई थी साथियों 2007, कब की गई थी? 2007। स्वामी ओमानंद संग्रहालय के बाद साथियों यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के ओरिजिनल पेज रखे गए हैं। वे ओमानंद संग्रहालय, सत्यार्थ प्रकाश ओरिजिनल पेज ओमानंद संग्रहालय में रखे गए हैं। उसके बाद आगे आता साथियों हमारा भीमा देवी संग्रहालय, कौन सा रहेगा? भीमा देवी संग्रहालय, भीमा देवी संग्रहालय, संग्रहालय, ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ये रहेगा हमारा पंचकूला, पंचकूला 360 बावड़ियों का शहर रहेगा। नारनौल बावड़ियों व तालाबों का शहर, 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पंचकूला को। बावड़ियों व तालाबों का शहर रहेगा हमारा नारनौल। उसके बाद अगला आता है हमारा फ्रोजन टीयर शहीद संग्रहालय, कौन सा रहेगा? फ्रोजन टीयर
शहीद संग्रहालय, फ्रोजन टीयर, शहीद संग्रहालय, ये रहेगा साथियों हमारा अंबाला जिले में। फ्रोजन टीयर शहीद संग्रहालय रहेगा हमारा अंबाला जिले में। अंबाला की स्थापना 1969 में हुई थी। यह संग्रहालय 1857 के लोगों के लिए बनाया, 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों के लिए बनाया जा रहा है। पहला कृषि संग्रहालय रहेगा हमारा हिसार जिले में। दूसरा रहेगा स्वामी गोमानंद संग्रहालय, ये रहेगा इस हरियाणा के तत्जर जिले में। और इसमें सत्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के ओरिजिनल पेज रखे गए हैं। अगला रहेगा जयंती देवी संग्रहालय, ये रहेगा हरियाणा के जींद जिले में, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। जयंती देवी संग्रहालय की स्थापना की गई थी 2007 में। भीमा देवी संग्रहालय, ये रहेगा हमारा पंचकूला में। फ्रोजन टीयर शहीद संग्रहालय, ये रहेगा अम्बाला में। दोस्तों ये थे कुछ हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मैं भूले। धन्यवाद।